everyone, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आपके साथ एक ऐसी DIY शेयर करने जा रही हूँ ना जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, चाहे आपकी स्किन कितनी भी ज्यादा मुरझाई हो, डल हो, कैसी भी हो. अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी DIY है जिससे हमें 100% रिजल्ट मिल जाएगा. तो चीज ही मैं ऐसी यूज करने वाली हूँ ना इस DIY में जिसका रिजल्ट आपको मिलना तय है यार, बस आंख बंद करके आप इसे अप्लाई करो, क्योंकि ये हर स्किन टाइप पे ये बहुत ही अच्छे से जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा. मैं फेस पैक बनाने जा रही हूँ, वो मैं बनाऊंगी रोज पेटल पाउडर से. यस, रोज पेटल पाउडर, बाप रे इसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे, अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, रोज पेटल पाउडर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है. आराम से गुलाब फूल घर में लाओ, अगर रेड रोज मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा. तो गुलाब के फूल को लाओ, उसकी डंठल को तोड़ो और अच्छे से धो के उसके पत्तों को सुखा दो. 1 से 2 दिन में ही वो सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट धूप में मत सूखने देना उसे, कहीं भी जहाँ पे छाया वगैरह हो रूम में ही आप इसे सूखने दे देना. 1 से 2 दिन में ही वो रोज पेटल आपका सूख जाएगा और बस उसे पीस के पाउडर बना लो. वो भी नहीं करना चाहते मेरी तरह लेजी हो तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से भी जा करके मंगा सकते हो. एक और उपाय है, तो वो क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है. ये जो पैक है ना, ये हमारे स्किन के पिंपल्स को और एक्ने को दूर करेगा, साथ ही हमारे स्किन के कालेपन को भी दूर करेगा, और तो और ये हमारे स्किन के फाइन लाइंस को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. साथ ही अगर चेहरे पे आपके लाल निशान है या फिर आप कह सकते हो ना झाइयाँ वगैरह पड़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसे भी बड़ी आसानी से ये दूर कर देता है, क्योंकि गुलाब हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है. साथ ही इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स गुण जो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है, काफ़ी अच्छा सा ग्लो लाता है हमारी स्किन पे. तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करना. पता है जब मैंने इसे यूज़ किया ना, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. काफ़ी ज़्यादा स्किन है ना ग्लोई लग रही थी, क्लीन लग रही थी मेरी स्किन, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए. देखो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन हाँ आपको पता है ना दवाई कड़वी होती है बट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो कुछ उसी तरीके से मेरी वीडियो भी है. तो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को फुल वॉच करो ताकि आपको रिजल्ट बिल्कुल अच्छा वाला मिले, जैसा कि मैंने यूज़ करने के बाद पाया हुआ है अपनी स्किन पर अच्छा वाला रिजल्ट, तो बस वही रिजल्ट आपको भी मिले. ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं हमारा ये गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार किया गया फेस मास्क, जो हमारे चेहरे को गुलाब की तरह कोमल और सुंदर बनाने का काम करेगा. इसकी खुशबू ना इतनी ज़्यादा अच्छी थी, पैक को खोलते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नेचुरल रोज़ है. तो इसका मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है और ये अल्क गुडनेस का था जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया था. इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हो अगर मंगाना हो तो. रोज़ पेटल्स में होता है विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के, तो ये हमारी स्किन की डैमेज सेल्स को रिपेयर करके उन्हें यूथफुल बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. तो अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1/2 चम्मच हनी, तो हनी में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी हमारी फाइन लाइंस को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, दाग धब्बों को काफ़ी हद तक रोकता है. तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती है ना, तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है. ठीक है, उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे या फिर कच्चे दूध के साथ या फिर गुलाब जल के साथ. अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप गुलाब जल से कर लो, गुलाब जल नहीं है तो दूध से कर लो, दोनों में से किसी एक चीज़ में आपको अच्छे से इस पैक को तैयार कर लेना है. ठीक है, तो ये हमारा पैक कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा. अच्छे से इसे मिक्स करो, मिक्स करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पैक दिखेगा. आप कलर देख सकते हो इसकी महक, OMG बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगी, और इसे यूज़ करने के बाद आपकी जो स्किन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड पिंकिश लगेगी. ठीक है, आपका ये जो पैक है अब बनके पूरी तरीके से तैयार है, और ये पैक अब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत लगेगा कलर में, ऐसा लगेगा जैसे कि खा लो, इसकी महक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी. तो अब क्या करना है, पैक बनाने के बाद आपको अपने स्किन को, अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है फेस को. ठीक है, अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद अब आपको इस पैक को लगाना है अपने फेस पे. जब मैं इसे अपने फेस पे लगा रही थी ना, OMG ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल सामने में मेरे ढेर सारे रोज़ वगैरह रखे हुए हों, उसकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था, लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था.
तो इसे कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैंने अपने फेस पे लगाया। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो इट्स ओके, आप अपने हाथों की हेल्प से, अपने फिंगर्स की हेल्प से भी अपने फेस पे अच्छे से इसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे अगर चाहो तो आप अपनी इसे पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा मिला था। 10 मिनट तक आपको इसे रखना है अपने फेस पे, सूखे नहीं सूखे कोई मतलब नहीं है, बस 10 मिनट के लिए सिर्फ आपको अपने फेस पे रखना है। उसके बाद आपको पानी से धो लेना है। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने एक कॉटन के कपड़े को पानी में अच्छे से डिप करके निचोड़ के उस कपड़े को अपने फेस पे कुछ इस तरीके से पोंछ कर आपको दिखाया हुआ है इसका रिजल्ट, ताकि आपको बिल्कुल मतलब सामने में आपको रिजल्ट दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फेस धो के आई उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सामने इसमें आप देख सकती हो इस फेस पैक को हटा के आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। काफी अच्छा सा फेस ग्लोई लग रहा है ना, और काफी ज्यादा मेरी स्किन क्लीन नजर आ रही होगी और पिंकिश पिंकिश लग रही है ना। तो चलो अब मैं अपने फेस को धो के अब आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा बेहतर लग रही है। सो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में।